दोस्तों आज हम बात करेंगे थालापति विजय की फिल्म द गोट और प्रभास की फिल्म कल्की के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे आखिर कौन सी फिल्म ने अपने 5 दिनों के एडवांस बुकिंग कलेक्शन में मारी बाजी, कौन बना बॉक्स ऑफिस इंडिया का एडवांस बुकिंग का सबसे बड़ा सुपरस्टार, पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास या साउथ के सुपरस्टार थालापति विजय। तो दोस्तों यह सब जानने से पहले आप इन दोनों सुपरस्टार में से कौन से सुपरस्टार के सबसे बड़े फैन है अभी हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं थालापति विजय की फिल्म गोट के एडवांस बुकिंग के बारे में। जैसे कि आप सभी को बताए इस फिल्म में आपको थालापति विजय के साथ प्रभु देवा और भी कई मल्टी स्टार कास्ट देखने को मिलेंगे। वहीं फिल्म को 330 करोड़ रुपए के बिग बजट में बनाया जा रहा है, जिस वजह से फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस से लेकर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफी तगड़ी स्क्रीन पर रिलीज हो रही। और अगर फिल्म के एडवांस बुकिंग और टिकट सोल्ड आउट की बात करें तो थालापति विजय की काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग होने की वजह से फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस से लेकर ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ा रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुई। और फिल्म रिलीज होने के पहले यानी अभी तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग ऑफिशियली 4,65,000 टिकट्स बेच चुकी है, जिस वजह से थालापति विजय की फिल्म द गोट की अभी तक की एडवांस बुकिंग से कमाई लगभग 9,80,00,000 रुपए से ज्यादा रही। लेकिन इस फिल्म से प्रभास की फिल्म कल्की के एडवांस बुकिंग कलेक्शन को कंपेयर करें तो कल्की फिल्म में आपको प्रभास के साथ अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हसन जैसे बड़ी स्टार कास्ट देखने को मिली थी। वहीं फिल्म को 600 करोड़ रुपए के बिग बजट में बनाया गया। वो फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ 11,700 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज हुई, जिस वजह से फिल्म को लेकर इंडियन बॉक्स ऑफिस से लेकर ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी पकड़ देखने को मिली। और प्रभास की पैन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग होने की वजह से फिल्म का एडवांस बुकिंग कलेक्शन भी काफी ज्यादा रहा। जी आपको बता दें पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की फिल्म कल्की रिलीज होने के पहले तक लगभग 10,05,000 से ज्यादा टिकट बेच चुकी थी, जिस वजह से कल्की फिल्म की एडवांस बुकिंग से कमाई लगभग 37 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रही। तो दोस्तों एडवांस बुकिंग कलेक्शन के मामले में तो प्रभास की फिल्म कल्की ने मारी बाजी, जिस वजह से प्रभास बने इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार और कल्की बने इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म। लेकिन थालापति विजय के फैंस गोट फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहे और कल्की फिल्म को फ्लॉप। लेकिन आपने इन दोनों फिल्मों को देखा है तो आप इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म को कहोगे इस साल की इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म, पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की फिल्म कल्की को या थालापति विजय की फिल्म द गोट को? और कौन से सुपरस्टार को कहोगे इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, प्रभास को या थालापति विजय को? आप क्या हमने कमेंट कर जरूर बताए। सुनाया तो मैं स्टूडियो को लाइक और चैनल एक्शन टेक को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको थालापति विजय की फिल्म द गोट के बॉक्स ऑफिस की ऑफिशियल अपडेट मिलती रहेगी सबसे पहले।